हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। इत्थे रहो चाहे फैसलाबाद। तो मुड़ के आ गए आप नवी वीडियो दे विच। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो सब तो पहली बेनती ये है, जेकर तुसी साडे चैनल ते नवे हो तो चैनल नू सबसक्राइब कर लो। तो वीडियो तुसी थंबनेल ते पढ़ ली भी किसी भी कंट्री का वीज़ा लैण लई एज लिमिट की होनी चाहिए आ। बहुत सारे दोस्तों मित्रों ने कमेंट भी कई बार किए, कई बार जो मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं तो आप जरूर पूछते भी थोड़ी भी एज लिमिट की होनी चाहिए आ जो तुसी वीज़ा अप्लाई करना टूरिस्ट। देखो जी, सब तो पहली गल ये कि जो आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने लिए किसी भी तरह की एज लिमिट नू कंसीडर नहीं किया जाता। चाहे वह जमदा बच्चा आ, वह भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकता। चाहे एक बंदा मरण के किनारे आ, वह भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकता आ। टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने लिए किसी भी एज लिमिट की कोई लोड़ नहीं हैगी, क्योंकि तुसी घूमन जा रहे हो ना कि काम करन जा रहे हो, पढ़न जा रहे हो, ना ही थोड़ी कोई एलिजिबिलिटी उत्थे चैक हो रही है भी तुसी एलिजिबल हैगे हो कि नहीं, है ना, भी उत्थे काम करन लई या होर किसी दूजी एक्टिविटी लई। जे तां तुसी घूमन दा इंटेंशन रख के वीज़ा अप्लाई करन जा रहे हो तां किसी भी एज दी कोई लिमिट नहीं हैगी। चाहे तुसी 20 साल दे हो, चाहे तुसी 18 साल दे हो, चाहे तुसी 16 साल दे हो, चाहे 15 साल दे हो, चाहे तुसी 22 साल दे हो, चाहे तुसी 33 साल दे हो, चाहे तुसी 45 साल दे हो, चाहे तुसी व्याहे हो, चाहे तुसी कुंवारे हो, चाहे तुसी डाइवोर्सी हो, चाहे तुसी विडो, तुसी कुछ भी हो, तुसी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तुसी सैलरीड हो, तुसी जॉब परसन हो, तुसी बिजनेसमैन हो, तुसी प्रोपराइटरशिप हो, थोड़े को फर्म आ, थोड़े कोई भी बिजनेस आ, कोई भी जॉब आ, तुसी अनइंप्लॉयड हो, तो तुसी अपने किसी भी ब्लड रिलेशन दे विच अपने माँ पे भैन भरा दा फाइनैंशियल स्टेटस उन्हां दी सेविंग दिखा के भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो ये मेरा दसण दा कारण यही आ भी क्योंकि बार बार बहुत सारे दोस्त आपां नूं मैसेज करते आ, कॉल करते आ, तो वह ये जरूर पुछते हैं भी आप वीज़ा अप्लाई करना, तो वीज़ा अप्लाई करने लिए एज लिमिट की आ। आप यूके का वीज़ा अप्लाई करना कि मेरी उम्र 22 साल आ, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हो जी तुसी, क्योंकि किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होंगी। चाहे वह यूएसए आ, चाहे कैनेडा आ, चाहे अमेरिका, चाहे आस्ट्रेलिया आ, चाहे कोई होर आ, चाहे शैनीगन आ, चाहे दुबई आ, कोई भी कंट्री आ, तुसी उत्थे वीज़ा अप्लाई करन जा रहे हो तो किसी भी तरीके की कोई एज लिमिट नहीं हैगी। एज लिमिट सिर्फ तो सिर्फ स्टडी परमिट दे विच देखी जाती है, वर्क परमिट दे विच देखी जाती है, या पीआर दे विच देखी जाती है एज लिमिट। क्योंकि स्टडी परमिट दे विच तां थोड़ी एज लिमिट देखी जाती है कि एक 20 साल का स्टूडेंट पढ़न जा सकता, 18 साल का स्टूडेंट पढ़न जा सकता, 16 साल का स्टूडेंट पढ़न जा सकता, हुण एक 45 या 50 साल का स्टूडेंट नहीं पढ़न जा सकता। हाँ, हो सकता है कि उन्हां दी स्टडी रेगुलर होवे, वो किसी रिसर्च ते जा रहे हैं तो वो कैटेगरी जरूर मैनशन हो सकती है, बट कोई 45 साल का स्टूडेंट नहीं होंदा। यह यूनिवर्सिटियां नूं भी पता आ, यह सानू भी पता आ, ये इमीग्रेशन डिपार्टमेंट नूं भी पता आ, ये अंबैसडर नूं भी पता आ, ये हरेक बंदे नूं पता आ। एक जेन्युइन जा ये क्वेश्चन आ ते उहदा ये आंसर आ। ते जे तुसी वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो तां उहदे विच भी एक एज लिमिट हुंदी आ कि तुसी 45 साल या 50 साल तक वर्क कर सकते हो किसी भी सैकेंड कंट्री या फोरन कंट्री दे विच जाके, जिथे दे तुसी बसिंदे हो उह थां नूं छड्ड के दूसरी थां ते जाके तुसी कम कर सकते हो। हाँ, इंडिया दे विच काम करन लगे एज कंसीडर नहीं हुंदी, क्योंकि एक 65 साल दे बाबा जी भी इत्थे सिक्योरिटी गार्ड रख लैंदे आ लोक, ते इत्थे बहुत सारी एज लिमिट नूं कंसीडर नहीं कीता जांदा। हाँ, जे कोई सरकारी जॉब लै रहा आ तां उहदे विच जरूर कंसीडर कीता जांदा, बट जे कोई प्राइवेट लिमिटेड फर्म
जॉब दे रही है तो उहदे विच कोई भी एज कंसीडर नहीं की जाती। तुसीं बहुत सारी थावां ते देखोगे भी इंडिया दे विच कोई एज लिमिट नहीं काम करती। पर हाँ जे तुसीं वीज़ा अप्लाई कर रहे हो वो भी टूरिस्ट, चाहे वह यूके का, चाहे वह कैनेडा का, चाहे वह शैनिंगा का, चाहे वह USA भी आ, तो तुसी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। कोई डरन की लोड़ नहीं, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने लिए किसी भी एज ग्रुप नू ए नहीं कहा गया भी तुसी 20 साल के होंगे तो ही तुहानू टूरिस्ट वीज़ा देवांगे। टूरिस्ट वीज़ा लैन लिए कोई भी एज लिमिट नहीं हैगी, तुसी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। जे तुसी पढ़ रहे हो तो भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, जे तुसी पढ़ चुके हो तो भी तुसी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, तुसी जे काम कर रहे हो तो भी, तुसी जे जॉब कर रहे हो तो भी, तुसी बिजनेस कर रहे हो तो भी, तुसी विडो हो तो भी, तुसी वाइफ हो किसी दे, तुसी हसबेंड हो, तुसी कर सकते हो। किसी तरीके का कोई भी रिलेशनशिप भी इत्थे लिमिट नहीं होंगी, किसी भी एज ग्रुप की कोई लिमिट नहीं होंगी। जेकर अजिहा कुछ होवे ते जेडे फैमिली इकट्ठी फैमिली दे टूरिस्ट वीजे लगते हैं, फिर वो बच्चों के टूरिस्ट वीजे ना लगन, क्योंकि वह तो 18 साल तो घट ने ते उन्हां कोल कोई भी फाइनैशियल सैटअप नहीं है। उन्होंने फाइनैशियल सैट फाइनैशियल बैकअप उन्होंने माँ पे आ जेडे अपने सेविंग्स अपने एसड दिखा के या बच्चों के जेड़े स्कूल दे विचो पढ़ रहे होंगे या उन्हां दे एज जेड़ी एज होंगी उन्हूं दसदे आ भी यह इन्नी एज दा आ ते यह काम कर रहा है। हाँ अंबैसी नूं एक थोड़ी प्रोपर बायो चाहिए होंगी भी तुसी की हो ते की इस टाइम अपनी कंट्री दे विच तुसी की स्टेटस दे उत्ते हो, कि तुसी पढ़ रहे हो, कि तुसी जॉब कर रहे हो, कि तुसी अनइंप्लॉयड हो, या तुसी किसे नाल मैरिड हो, अनमैरिड हो, या थोड़े कोल सेविंग्स की ने, या तुसी इनकम टैक्स रिटर्न भरदे हो कि नहीं भरदे। ये सारिया डिटेलां होंदियां ने जिहड़ियां कि अंबैसी देखदी आ ते उस तो बाद तुहानू वीज़ा ग्रांट करदी आ। अलग अलग कंट्री की अलग अलग रिक्वायरमेंटा होंदियां ने, तुसी हरेक कंट्री की चैकलिस्ट जाके देख सकते हो ते चैकलिस्ट देखने तो बाद तुहानू पता लग जूगा भी ये कंट्री दे विच आ चैकलिस्ट आ ते आपां ए चैकलिस्ट नू पूरा करके अपना वीज़ा ग्रांट करा सकते हैं। किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा लेना कोई औखी गल नहीं। जेकर तुसी किसी भी कंट्री से जाना चाहते हो तो बेझिझक एज लिमिट नू देखे बिना तुसी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। भी शर्त इको आ, तुसी उस दियां डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करो। हाँ तुसी किसी भी कंट्री की डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट फुलफिल कर नहीं रहे तो वीज़ा अप्लाई करोगे तो फिर तुसी रिफ्यूज जरूर होंगे। तो ये सी वीडियो अपनी एज लिमिट के उत्ते, तो मैनू लगता बहुत सारे दोस्तों के सवालों के जवाब आप दे चुके हैं भी एज लिमिट केड़ी एज दे विच आपां टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और केड़ी दे विच नहीं। तो मैनू लगता भी थोनों ये इनफॉर्मेशन वधिया लगी होगी, जेकर वधिया लगी तो चैनल नू जरूर सबसक्राइब कर दिओ। हाँ जाते जाते एक होर बेनती, बहुत सारे दोस्त हुण इस वीडियो नू देखण मगरों भी ते पिछलियां कई वीडियो देखण मगरों आपां नू एक गल जरूर पुछदे आ भी थोड़ा ऑफिस कित्थे आ। साडे कोई भी ऑफिस नहीं हैगा, असी बिना ऑफिस तो काम करते हैं। साडे कोल सिर्फ ऑनलाइन असी डील करते हैं। जेकर किसी ने भी साड़ी कोई इनफॉर्मेशन लेनी है तो वह सानू इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। हाँ तुसी जेकर कोई भी सर्विस लेने हो तो असी थोनू फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे दोस्त कहते हैं भी थोड़ा कॉन्टैक्ट नंबर की है, असी अदा ही अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं पाते क्योंकि ना तो थोड़ा टाइम खराब हो ना ही साडा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों मित्रों के जिहड़े सवालों के जवाब होंदे आ वो साड़ी वीडियो दे विच ही उन्होंने पता लग जाते हैं। पर कई दोस्तों ऐ हुंदा भी असी इन्हां कोल ही अप्लाई करना आ या इन्हां कोल पुछ लिए है ना, तो वो फिर कॉन्टैक्ट नंबर अपना लभदे आ। तो उन्होंने इको ही बेनती आ भी आपां इंस्टाग्राम के उत्ते मैसेज कर लो, जिहड़ी कि इत्थे आईडी तुसी देख रहे होंगे। ठीक है जी, तो ये सी अपनी वीडियो, उम्मीद करदा तुहानूं हरेक जानकारी वधिया मिली होगी। तो जेकर तुसी जानकारी तो संतुष्ट हो तो जाते जाते साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर दो,
ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮੈਰੀਕਾ, ਸ਼ੈਨੀਗਨ ਅਤੇ UK ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਆਦਾਬ, ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਚਾਹੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।